गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। कोरोना के वैश्विक संकट के दौर में भी योगी ने अपने फैसलों से रचा इतिहास। गोरखपुर न्यूज के नजरिए से 2020 में योगी सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसले। योगी सरकार ने दुनिया को दिया कोरोना से लड़ने का नया मॉडल। विकास, तरक्की, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में उम्मीद से बेहतर काम। कोविड-19 वैक्सीन को घर पर आकर लगाने की फैल रही अफवाह पर बोले एडीजी जोन दावा शेरपा। कहा कि फर्जी लोगों से रहे सावधान, शासन स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर ही होगा टीकाकरण। चिलवाताल थाना क्षेत्र के सिकटौर रेलवे क्रॉसिंग पर दिन दहाड़े मनबड़ों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। एसएसपी ने किया घटना स्थल का मौका मुआयना, घटना के शीघ्र खुलासे के दिए निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर अचानक अस्तित्व में आए मदरसा निर्माण पर बोले एडीजी जोन दावा शेरपा। बॉर्डर पर है खुफिया एजेंसियों की नजर, कहा कराई जाएगी जांच, आय के स्रोत की भी होगी पड़ताल। जन्म से पूर्व नवजात की गलत रिपोर्ट देने का मामला, जिलाधिकारी के निर्देश पर 3 डायग्नोस्टिक सेंटरों की अल्ट्रासाउंड मशीन हुई सील। सहजनवा के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहले हो चुकी है कार्रवाई। 9 वर्ष 2021 पर एडीजी जोन दावा शेरपा, कमिश्नर जयंत नार्लिकर, डीएम के विजय पांड्यन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनंदन श्रीवास्तव, एसआईसी डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने जनपद वासियों को दी शुभकामनाएं। सभी के बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव सहकारिता एसबी रामा रेड्डी ने की धान खरीद की समीक्षा। धान खरीद की धीमी गति पर जताई नाराजगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने सहजनवा थाना क्षेत्र के चढ़राव गांव में 3 वर्ष पूर्व आसनाई के चक्कर में हुई हत्या के मामले में एक महिला समेत 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए किया सनसनीखेज खुलासा। उक्त मुकदमे में नामजद आरोपियों की नहीं थी कोई भूमिका। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा कोरोना काल में भी सभी सेक्टरों में हुए विकास के कार्य। 2021 में कई परियोजनाएं जनता को होंगी समर्पित, बनेगा नया इतिहास। वर्ष 2020 के आखिरी दिन जिले के आईएएस अफसरों का मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क पर भीख मांगने वाले दिव्यांग युवक को दिया ट्राई साइकिल। भरण पोषण के लिए हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। बेलीपार और बांसगांव थाने की पुलिस टीम ने बेलीपार थाना क्षेत्र के गैंगस्टर में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में लोकबंधु राजनारायण की मनाई गई 34वीं पुण्यतिथि। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,994। अब तक 341 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 267 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। चिलवाताल पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी सोनबरसा निवासी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 9 वर्ष पर गोलघर में सजी रंग बिरंगे फूलों व गुब्बारों की बाजार। 9 वर्ष को खास बनाने के लिए गुब्बारे व फूलों की खरीदारी करते नजर आए लोग। और कोरोना संकट काल की वजह से 8 महीने से बंद पड़ा नौका विहार, बृहस्पतिवार को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर पर्यटकों से नजर आए गुलजार। परिवार और मित्रों के साथ पहुंचे शहरवासियों ने रामगढ़ ताल की खूबसूरती, बोटिंग का आनंद लेने के साथ ही सुनहरे पलों को सेल्फी और ग्रुप फोटो के माध्यम से किया कैद।